हसन भाई गिल्टी प्लेजर्स होते हैं ना आदमी, वो काम जो किसी को बता नहीं सकता मगर बस अपने अंदर के बच्चे को खुश करने के लिए करते हैं, आपको कोई गिल्टी प्लेजर है? बिल्कुल है, मैं छुप छुप के मीठा खाता हूँ ये सोच के कि कुछ नहीं होगा, मेरे अलावा कोई और नहीं देख रहा और कुछ नहीं होगा, लेकिन अंदर आपके एक आदमी होता है जो कि बोल रहा होता है नहीं खाओ नहीं खाओ नहीं खाओ नहीं खाओ, लेकिन मैं फिर भी खा लेता हूँ, फिर भी खा लेते हैं। मैंने सुना है कि आपको रोड पे एक्सीडेंट देखने का ये बहुत शौक है। बहुत शौक है, वो जब झगड़े हो रहे होते हैं, जब लड़ रहे होते हैं ना वो लोग, तो मैं कभी कभार देख रहा होता हूँ, कभी कभार मेरा दिल चाहता है कि मैं जाके रोक लूँ उनको कि भाई क्या कर रहे हो, नहीं करो यार। मैं तो रोकने वालों को रोकता हूँ, क्यों रोक रहे हो, मारने दो। लेकिन जब दो लोग या तीन चार लोग लड़ रहे होते हैं और कोई किसी की बात नहीं सुन रहा होता तो बहुत मजा आता है, बहुत मजा आता है। मैं तो खुद रुक के देखता हूँ। अच्छा, कई बार मैंने ऐसा किया, घर जा रहा था, जल्दी जा रहा था ऑफिस से, फिर मैं सोचा मैं क्यों जा रहा हूँ जल्दी, गए तो मैं रास्ते में रुक गया और मैं सड़क से ना नीचे यू पुल से देखने लगा, थोड़ी देर बाद सब देखने लगे क्या हो रहा है और नीचे कुछ नहीं हो रहा था, मैंने वीडियो बना ली इस चीज। ये लोगों को शौक है हमारे यहाँ, कुछ कर नहीं रहे होते, बस यूं देख रहे होते हैं। और जितना सर्कल बना होता है ना, लोग कुछ बाहर जूम बना दें आप कहीं पे भी, सर्कल के अंदर अलग स्टोरी चल रही होगी कि बाइक को गाड़ी ने मारा है, बाहर ट्रक वाले ने गाड़ी को मारा है, इससे बाहर रिक्शे वाले ने ट्रक को मारा है। ये जितनी बाहर आते रहेंगे ना, आखिर में एलियंस आए थे मारने के लिए इस गाड़ी को, उल्टा चल रहा होता है। और जिसने ये देखा होता है ना उसे, वो भरम में चल रहा होता है मेरे सामने ही हुआ है, ये अलग चल रहा होता है। बहुत मजा आता है भाई। आप लोग एक्सीडेंट करते रहो, हम देखते रहो।